नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल इंट्राडे वेव्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रदीप, जो कि मंडे कौन सा स्टॉक आप अपना डे ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट का हिसाब से रख सकता है, इस वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जो भी स्टॉक के बारे में मैं इधर बता रहा हूँ, दिस इज़ प्योरली फॉर एडुकेशनल पर्पस। और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के पहले ज़रूर आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इस स्टॉक के अंदर ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मंडे कौन सा स्टॉक आप अपना वॉच लिस्ट में रखेंगे। दोस्तों, ग्लेनमार्क का चार्ट मैंने आपका सामने ओपन करके रखे हैं और प्राइस एक्शन का हिसाब से देखिए, ग्लेनमार्क में हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट दोनों एंट्री या पोजीशन ले सकते हैं। अगर स्टॉक के अंदर ये जो मैंने मार्क ऑलरेडी करके रखा है ये ब्लैक कलर में, प्राइस अगर अबव क्लोजिंग होता है 479 विथ इंक्रीज्ड वॉल्यूम एंड हायर लो फॉर्मेशन, तब जाके आप इस स्टॉक को लॉन्ग के लिए कंसीडर कीजिएगा। और इन दैट केस आपका पहला जो टारगेट हो सकता है 485 के आसपास और सेकेंड जो टारगेट रहेगा करीब 491। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस के अंदर ये जो प्रीवियस डे का जो लो था, इस लो से अगर प्राइस ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ प्राइस प्रिंट करना चालू करता है, मार्केट सेंटिमेंट भी अगर बेरिश रहता है, तब जाके आप इस स्टॉक को शॉर्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। क्लोजिंग बिलो 473 और आपका टारगेट जो रहेगा 465 के आसपास। नेक्स्ट जो ये इंडसइंड बैंक, और इंडसइंड बैंक के अंदर देखिए पैटर्न किस हिसाब से बना हुआ है। अब देखिए इंडस इंड बैंक में हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट दोनों व्यूज़ लेके चल सकते हैं। अगर ये जो डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, अगर प्राइस मंडे ये जो लेवल है इस डाउन ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करते हुए अबव 621 क्लोजिंग देता है, तब जाके आप इस स्टॉक को लॉन्ग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इन दैट केस आपका टारगेट रहेगा 637 के आसपास। ऑन अदर केस, अगर प्राइस नीचे की तरफ क्लोजिंग होता है और ब्रेक डाउन बिलो 602, तब जाके आप इस स्टॉक को शॉर्ट के लिए कंसीडर कीजिएगा। और इन दैट केस आपका टारगेट रहेगा करीब 586 के आसपास। दोस्तों, जो भी मैं स्ट्रक्चर आपसे बता रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन, मतलब जो भी लेवल मैं बता रहा हूँ, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में प्रीवियसली हम लोग को जो प्राइस एक्शन देखने को मिला, मैं उसी हिसाब से आपको टारगेट बता रहा हूँ। थर्ड जो स्टॉक आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, यह मैकडॉल। और मैकडॉल के अंदर भी देखिए पैटर्न किस हिसाब से बनते हुए हम लोग को दिखाई दिया है। प्राइस के अंदर एक डाउन ट्रेंड हम लोग विटनेस किया और ये जो लेग है ये फर्स्ट लेग कंप्लीट हुआ है, उसके बाद प्राइस थोड़ा पुल बैक ले रहा है। अगर मंडे प्राइस ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ 571, इस 571 लेवल से प्राइस को अगर रिजेक्शन मिलता है, तो अब जाके आप इस स्टॉक को शॉर्ट के लिए कंसीडर कर सकता है। और इन दैट केस आपका टारगेट जो रहेगा करीब, पहला जो टारगेट रहेगा 564 और सेकेंड जो टारगेट रहेगा आपका 555। फोर्थ जो स्टॉक आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, यह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी देखिए पैटर्न किस हिसाब से बनते हुए हम लोगों को दिखाई दिया है। ड्यूरिंग लास्ट टू डेज इस स्टॉक के अंदर हम लोग एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, देखिए इस लेवल से प्राइस को एक रिजेक्शन मिल रहा है। और प्रीवियस सेकेंड सितंबर इस लेवल से प्राइस को एक सपोर्ट मिला है। तो मंडे अगर मार्केट इस लेवल से फिर से सपोर्ट मिलता है और ये जो डाउन ट्रेंड लाइन जो है, डाउन ट्रेंड लाइन अगर प्राइस ब्रेक कर देता है, तब जाके आप इस स्टॉक को लॉन्ग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इन दैट केस आपका टारगेट रहेगा 1317। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस प्रीवियस डे का जो लो था इस लेवल को तोड़ देता है और ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ कि 1281 से अगर प्राइस नीचे की तरफ प्रिंट करना चालू करता है, तब जाके आप इस स्टॉक को शॉर्ट के लिए कंसीडर कर सकता है। और इन सच केस आपका टारगेट जो मिल सकता है करीब 1259 से लेके 1249 के आसपास मिल सकता है। दोस्तों, ड्यूरिंग लाइव मार्केट मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई सुइटेबल अपॉर्चुनिटीज मिलता है, चाहे डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, मैं रेगुलर बेस पे पोस्ट करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकता है।
है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री और प्योरली फॉर एडुकेशनल पर्पस। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरा चैनल को लाइक कीजिए। आप में से जो मेरा चैनल पहले बार देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब बटन का दबाना मत भूलिएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टॉक मेरा वॉच लिस्ट में है। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में बात करूंगा यह है बाटा इंडिया। आप देखिए बाटा इंडिया के अंदर हम लोग एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं और इस स्टॉक के अंदर हम लोग शॉर्ट के लिए व्यू बना सकता है। प्राइस अगर ब्रेक डाउन होता है बिलो 1340 प्रीवियस डे का ये जो रेंज है, इस रेंज से प्राइस को अगर ब्रेकडाउन मिलता है तब जाके हम लोग इस स्टॉक के अंदर जो टारगेट मिल सकता है ये करीब 1333 या नेक्स्ट जो टारगेट मिल सकता है 1326 एंड थर्ड जो टारगेट हम लोग को मिल सकता है ये करीब 1309 के आसपास। तो दोस्तों मंडे के लिए जो स्टॉक मेरा वॉच लिस्ट में था मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया और ड्यूरिंग लाइव मार्केट मैं मेरा कोई भी सूटेबल अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर उस करूँगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन का दबाना मत भूलिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।